हाय गाइस, इसमें EDC प्रॉब्लम आ रही है। गाड़ी में खिंचाई बिल्कुल भी नहीं है और डीजल फिल्टर वाली जो डीजल लाइन की जो EDC आती है ना, वो ये वाली ये आ रही है इसमें। तो इसको चलिए चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। एक बार स्टार्ट कर लो सर। ये पीली EDC स्टार्ट होने के बाद बंद होनी चाहिए गाइस, जो कि इसमें बंद नहीं हो रही है और हमारा इसमें कोड भी एक्टिव आ रहा है। चलिए अभी आपको हम दिखाएंगे इसमें कौन सा कोड एक्टिव आ रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। क्योंकि ये पीली EDC है ना, जो ये बंद होनी चाहिए स्टार्ट होने पर, जो अभी इसमें बंद नहीं हो रही है। स्कैनर लगाया हमने, स्कैनर में 237 डिस्प्ले से सेंसर एक्टिव में कोड आ रहा है। चलिए बोनस खोल के देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखें। गाड़ी में ट्रायल लेके भी आपको चेक कराएंगे और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसमें किस कारण से ये प्रॉब्लम आती है और इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारे सद्दाम भाई। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आपको इसमें बूस्ट प्रेशर सेंसर की वायरिंग चेक करनी है सबसे पहले, है ना? बूस्ट प्रेशर वायरिंग सदम भाई, ये यहाँ पे। हाँ चलो नीचे की तरफ, यहाँ पे ये हाँ, ये इसको पिन को निकालनी है अपने को, है ना? सॉकेट को दबा के निकालना। गाइस, इसमें एक्टिव कोड बूस्ट प्रेशर सेंसर का आया है, तो हमें बूस्ट प्रेशर सेंसर की सबसे पहले वायरिंग चेक करनी है। तो सादी गाड़ी भी अच्छी भाग जाए, परेशान हो गया। ये हमारे ड्राइवर साहब क्या कर रहे हैं? इनसे तो सादी गाड़ी भी अच्छी चलती है, S4 से। BS4 से है ना? अरे गाड़ी जब ये कंप्लीट होती है तो कैसी चलती है? तब तो लगता है भाई कोई गाड़ी चला रहे हैं। प्लेन चल रही होगी। अभी प्रॉब्लम निकलेगी, अभी इसकी ट्रायल लेंगे हम। इसकी नोजल खोली क्या? हाँ सर, ये डीजल कहाँ से आ रहा? डीजल नहीं होगा, ऑयल डाला होगा उसने। अच्छा, इंजन में ऑयल डाला, थोड़ा बार बाहर निकल गया। चलो कोई बात। हाँ सदम भाई, पेचकस ले लो ना यार, पेचकस ले लो, पेचकस ले लो। पेचकस है अपने पास, वो बैग पड़ा अपना। लव मेरे को तो पेचकस में लगा दो, खींचना ना दवाई भाई, इस तरीके से निकालना आपको बड़े प्यार से। थोड़ा उजाला उजाला दिखाऊंगा। एक मिनट, ऐसी प्रॉब्लम आ गई है इसमें, क्या पेज के थोड़ा सा वो लंबा चाहेगा अपना, थोड़ा पड़ रहा है। हाँ लंबा है ये, हुआ ना तार। हाँ, अब अपने ये 10 की गोटी लो और सेंसर को खोलो। गाइस, इसमें बूस्ट प्रेशर सेंसर क्या, ये अपने एक मिनी पॉड में आता है, यहाँ पे ये मिनी पॉड लगा हुआ है, इसके नीचे ये बूस्ट प्रेशर सेंसर अंदर की तरफ है थोड़ा, यहाँ से आपको दिखेगा नहीं सही से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला
इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं अभी। इसका ये जो सॉकेट है इसकी पिन ये कुछ इस तरीके की है, है ना, चार पिन वाले। हाँ गाइस ये खुल चुका है, ले पकड़ साफ कर इसको। ये BS4 का कुछ प्रेशर सेंसर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सर ये बूस्ट प्रेशर सेंसर नया मंगा दो, पार्ट्स कहाँ से लेते हैं आप? पार्ट्स वाले को मिल जाएगा भाई, दौड़ दो। कितने का पड़ा ये? 2900 रुपये का। इसकी MRP आप यहाँ पे देखेंगे 3025। ये 3025। अब इसको हम खोलते हैं। खोलो सदाम भाई, खोल दीजिए इसको। ये कुछ इस तरीके का है और ये पुराना, ये पुराना है। ये BS4 का है जो ब्लैक आएगा पूरा, और BS3 में ब्लू आएगा। तो गाइस इसमें बूस्ट प्रेशर सेंसर का काम क्या है, हमारे इंजन की जो प्रेशर होता है ना, एयर प्रेशर, हवा का कितना बार होना चाहिए ये नापता है कि मतलब इंजन को कितनी हवा मिलनी चाहिए। अगर ये ख़राब होगा तो इंजन को कितना प्रेशर बार मिलना चाहिए एयर का, वो सही नहीं बताएगा इश्यू को। तो इससे क्या, नोजल का स्प्रे सही नहीं होगा, जिससे गाड़ी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। इंजन में डीजल खाने की प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी दबने की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा बूस्ट प्रेशर। हवा जितनी हवा होनी चाहिए उतना ही स्प्रे होता रहे नोजल का, तो वो बराबर नहीं होगा ना, तो गाड़ी के साउंड में भी फ़र्क आएगा, इंजन के साउंड में, और गाड़ी में दबने की, चलने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हम इसमें नया डालने वाले हैं, ले लगा। पहले इधर जो धूला हो रहा है उसको भी साफ करना जरूरी है। हाँ क्या कह रहे हैं सदाम भाई? ये जो धूला आप दे रहे हो इसको साफ करना जरूरी है, अगर ये साफ ना हो बाई चांस अंदर धूला चला जाए तो फिर। हाँ यहाँ सेंसर के भी कचरा बिल्कुल साफ करना है, फिर इसको लगाना है। एक बोल्ट आएगा इसमें 10 नंबर। ये आप बोल दो, ये हमारे इसका सेंसर का बिल है, इसमें GST मिला के ये हमारे पड़ा है 2900 बराबर 2900 रुपये पड़ा। तो ये बूस्ट प्रेशर जो है प्रेशर को भी नापता है और हवा का टेम्परेचर भी नापता है, ये दो तीन काम करता है। जैसे हवा, गर्म हवा होती है ना, तो अगर गाड़ी में ज़्यादा गर्म हवा आ रही है तब भी ये इसका टेम्परेचर को भी नाप लेता है। तो इसका काम यही है कि हवा को नापता है, टेम्परेचर भी नापता है, और कितनी बार का हवा होनी चाहिए इसमें। मैं देखो लेट आए देखा, मेरे को रोटी खा लूँ, भूख लग रही है, फाजे फिर रोटी में खाऊँ, मैं रोटी खा बैठ गया। ये लग गया इसमें, एक बोल्ट लगता है 10 नंबर। दो रोटी खाई है, रूप से गियर देखना भी जरूरी है। हाँ बराबर अच्छी तरीके से टाइट करना है, गियर ब्रेक है तो फिर वो दिक्कत होता है। 10 नंबर रिंग बना, स्पिनर लगेगा इसमें, ना ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। अब इसकी वायरिंग का हमने क्लिप लगाना है। अब इसकी ट्रायल भी लेके देखेंगे हम। लग गया दे। भारी पड़ रही है, चाबी ऑन कर दो। इग्निशन ऑन करो उस्ताद।
ये EGR के दोनों कोड है, नॉर्मल कोड आएंगे इनएक्टिव में। गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, न्यूट्रल देख के ऑपरेशन हो रहा है। एक्सीलेटर तो कंप्लीट है। अब एक बार इसको रनिंग में चला के देख लेना। अब इसका लाइव डाटा हम चेक कर लेते हैं। यह है बूस्ट प्रेशर 950 बार होना चाहिए और 941 बार आ रहा है। एक्सीलेटर दो, एकदम ओके। तो गाइस ये पूरी तरीके से काम कर रहा है बूस्ट प्रेशर बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेल प्रेशर का बार भी हम देख लेते हैं, कंप्लीट है। ट्रायल लेके भी देख लेंगे। ठीक है, दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं इस गाड़ी में चलने के बाद कोई प्रॉब्लम वापस आती है या नहीं आती है, या प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि सेंसर का मामला है तो इसे हम चला के भी देखेंगे, और आगे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लाइव डाटा इसका चेक करते रहेंगे, ताकि हमें पता चलता रहेगा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे देख सकें।
के बूस्ट प्रेशर टेम्परेचर 40 डिग्री का बता रहा है। रियल स्पीड आप देख सकते हैं, गाड़ी एकदम ओके है। अभी हमारी EDC लाइट कोई भी नहीं आ रही है। हाँ तो गाड़ी कैसी है चलने में? कंप्लीट है, एकदम ओके है। दबने की तो पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी? पहले गाड़ी दब रही थी और साउंड भी अलग था। साउंड अलग था और गाड़ी दब रही थी ना, तो अभी एकदम ओके होगी। चलो ठीक है। तो गाइस ये प्रॉब्लम आई थी, अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये EGR के कोड है, नॉर्मल कोड ये तो आते ही हैं, नई गाड़ी में भी आप देखेंगे तो ये कोड आएंगे, ये डिलीट नहीं होते। तो इनको हम डिलीट भी करेंगे नहीं होंगे। एक बार चाबी बंद कर दो, ये तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती। EGR बंद करवा रहा था। तो गाइस जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी बनता है।